रोहित शर्मा की कप्तानी पर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने रोहित की कप्तानी पर बड़ा ऐलान किया है। अब से थोड़ी देर पहले बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जय शाह टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं उन खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में जिन्होंने हिस्सा लिया। खासतौर पर उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट किया इस पूरे वर्ल्ड कप को जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीता। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक वादा भी किया कि टीम इंडिया अगली बार जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी, WTC फाइनल होगी, वहां पर भी टीम इंडिया अच्छा करेगी, वहां पर भी खिताब जीतेगी। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी पर जो उन्होंने बात कही कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, इसके अलावा WTC में भी रोहित ही कप्तान होंगे। फरवरी मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, पाकिस्तान में होना है अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उसको लेकर लगातार डिबेट चल रही क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ICC को अपना ड्राफ्ट भेज चुका है कि भाई लाहौर और बाकी तीन शहरों में मुकाबले कराने हैं, लेकिन भारत अभी भी सहमत नहीं है और कहीं ना कहीं लगातार इसको लेकर जो पूरा मामला है BCCI के पाले में कि कब वो निर्णय लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या कहीं और कराई जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर आप देखें WTC का जो फाइनल है वो जून 2025 में होगा और उसमें भी रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे अगर भारतीय टीम वहां पर फाइनल में पहुंचती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो भारतीय टीम ने आखिरी बार 2013 में इसका खिताब जीता था, लेकिन ये सारी चीजें हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, हमने पिछली बार भी जय शाह का वो वादा देखा था जब उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबाडोज में टीम इंडिया तिरंगा जो है वहां पर लहराएगी और वही हुआ, भारतीय टीम बारबाडोज में जाकर खिताब जीती। ऐसे में एक बार फिर से जय शाह के इस बयान को लोग इस संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई WTC का जो खिताब है और इसके अलावा अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है वो रोहित शर्मा अपनी झोली में लाने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम का दल है T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, यही उम्मीद होगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन हो, WTC में प्रदर्शन हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप छोड़ने के बाद जिसमें जहां से भारतीय टीम ने खिताब जीता, कप्तानी अगर आप देखें रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ने के अलावा अगर आप देखें जब वो ये फैसला लेते हैं कि उनका आखिरी T20 मुकाबला है, जो तरीके से T20 फॉर्मेट को छोड़ देते हैं, कप्तानी अपने आप चली जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें विराट कोहली ने जो वहां पर अनाउंसमेंट की कि भाई वो भी अब T20 मुकाबला नहीं खेलेंगे, ये जरूर लोगों के जहन में सवाल था कि रोहित विराट अब कब तक T20 या बाकी के जो फॉर्मेट है वो रोहित विराट कब तक खेलेंगे। ऐसे में यह खबर आना कि WTC जो है 2025 में फाइनल और उसके अलावा अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में भी विराट और रोहित नजर आएंगे, तो फैंस में ये एक बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर सामने आ रही है। We'll be right back.